वासु आप भी बोल दो राधे राधे, तभी ये लोग आपको राधे राधे बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप भी बोलो इनको राधे राधे, राधा कृष्णा यानी युगल सरकार की। अरे पिछले 3 महीने से ये घड़ी इस समय पे ऐसे नाचती है, वैसे वाइब्रेट होती है, और 2 बार, एक बार 4:30 बजे और एक बार ठीक 5 मिनट बाद, यानी कि 4:35 पे ऐसे नाचती है। इसे हो क्या गया, ना तो हम इसे चार्ज करते हैं, पता नहीं इसके अंदर बैटरी है, शायद हो सकता है, लेकिन ये देखो रुक गई है। और अभी थोड़ी देर पहले भी ये नाच रही थी, तो मैं जैसे ही यहाँ पर आई वैसे ये वाइब्रेट होना रुक गई थी, और पूरा राउंड लगाती है ऐसी। और ये घड़ी यहीं पर रखी हुई है, समझ में नहीं आ रहा इस घड़ी का क्या ऐसा है। और यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, तो इस पर हमारा मोबाइल चार्ज करने का, मेरा माइक चार्ज करने का, एलेक्सा का और घड़ी का, सब का चार्ज हम मतलब यहीं पर करते हैं। तो ये तारों का जाल, अभी तो जैसे बच्चे आते मतलब बच्चों का होता है लैपटॉप का, उनका चार्जर, तो बहुत सारे यहाँ पे जाल जैसा बना रहता है, ये सबके ही घर में रहता है। मैं वैसे बता रही हूँ, कहीं आप बोलोगे ना कैसे बेशुगर है कि संभाल के नहीं रखा है, तो देखो सब ये भी चार्ज होता है, ये हेडफोन भी सब चार्ज होने की ही चीज़ है घर में, सबके ही होते हैं। शाम के बज रहे हैं 7, तो यहाँ पे मेरी रात को सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है, और सब्जी यहाँ पे मसाला बन रहा है, आज बन रही है पनीर की सब्जी। वैसे तो बनानी थी शिमला मिर्च और पनीर मिक्स बनाना था, मतलब शिमला मिर्च के साथ, हम अक्सर शिमला मिर्च जब भी बनाते हैं ना तो उसमें पनीर डाल के तभी बच्चे खाते हैं, तब थोड़ा बहुत तो पसंद कर लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते। पर आज क्या था कि मैंने दिन में खिचड़ी बनाई, तो मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो खिचड़ी बच गई, और खिचड़ी जो है थोड़ा सा अच्छी भी नहीं बनी, अच्छी मतलब देखना कैसे भात जैसा बन गया है, और मेरे को तो ऐसी खिचड़ी पसंद नहीं है। और ऐसे टेस्ट में अच्छी है, पर मैंने इतनी सी खाई, बेटे को पसंद नहीं आई तो उसने नहीं खाई। अब वो बोल रहा है कि मम्मी इसको ना थोड़ा सा तरी वाली बनाना, गाढ़ी मत बनाना, मतलब तो ये खिचड़ी मैं खाऊंगा उसमें। तो दोनों माँ बेटे हाफ हाफ करेंगे, थोड़ा इसे बना के फटाफट, फिर दिया बत्ती करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, और फिर उसके बाद 8 बजे तक हम खा लेते हैं, कभी कभी 8 बजे से पहले खा लेते हैं, लेकिन 8 बजे तो फिर खा ही लेते हैं। तो मसाला यहाँ पर तैयार हो गया है, इसमें डालती हूँ पानी, और माइक मैंने यूज़ नहीं करा, आलस कर देते हैं, चीज़ नहीं होती है ना तो बोल लेते भैया ये चीज़ हमारे पास नहीं है, है माइक पर मैंने आलस कर दिया, मैं कहा चलो 2 बातें आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, और अब कल सुबह मिलूँगी आपके साथ। राधे राधे सुबह की, अभी बजे सुबह के 8:30, तो सुबह के रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है, और अब मेरे को बनाना है अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग, और उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगा के मैं भी जो भोग बना होगा उसी प्रसाद मैं भी पाऊँगी। तो आज आप लोगों को बहुत दिनों बाद अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करा देती हूँ, और दर्शन करो और लड्डू गोपाल को राधे राधे लिखना। अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, यानी कि मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते हो, तो कम से कम मेरे लड्डू गोपाल को तो पसंद करो यार, ये तो सबके हैं, मेरे ही नहीं हैं, तो इनकी मैंने सेवा कर ली है, आप लोगों को आज दर्शन करा दूँ। और आप राधे राधे लिखना भर भर के, और वीडियो को भी लाइक कर देना, चाहे वीडियो पसंद आए ना आए, पर लड्डू गोपाल के लिए एक लाइक एक कमेंट, जिसमें क्या राधे राधे लिखना। तो दर्शन कराती हूँ इनके, और कितने प्यारे से कितने सुंदर से लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, यह है मेरे लड्डू गोपाल। आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को बहुत सारे फूल भेंट किए हैं, ये गुड़हल का, और एक ये मोगरा या चमेली जो भी होगा, और सदाबहार के फूल भी तोड़ के लाई। तो ये ना क्यों लेके आई, क्योंकि गिलहरी जो है सारे खा जाती है, मैंने कहा चलो अपने लड्डू गोपाल को चढ़ा देती हूँ। तो आजकल पंखा चला होता है, थोड़ी देर में यहाँ पर भी मुरझा जाते हैं। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल के खिलौने, ये एक बॉल, ये मेरी बहन लाई थी, और ये बॉल मेरे को भागवत में गई थी तो वहाँ पर लुटाते हैं ना, जिस दिन उनका वो होता है कृष्ण जन्मोत्सव मनाते, तो उस दिन वहाँ पर एक बॉल मिली, और ये इसका नाम मैंने सिडनी रखा हुआ है, और ये भी हमको कहीं मॉल से
ये बच्चों ने गेम में जीता था शुभम ने, तो उसने हमें दे दिया था, तो इसे भी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए रख देती हूँ। और ये मोर पंख का जो मैंने बना रखा है, तो इससे मैं ना कभी कभी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। कैसे करती हूँ बताती हूँ आप लोगों को। तो इन्हें मोर पंख का ऐसे हिला के इनकी सेवा कर लेती हूँ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करना। तो ऐसे करके, तो ये इनके पीछे यहीं पर रखा रहता है यहाँ पर। सॉरी मेरे लड्डू, तुम्हारी पगड़ी पीछे चलेगी। तो इनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनकी तो अब आदत सी बन गई। जब तक इनकी सेवा नहीं करती हूँ ना, तो अच्छा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई काम हुआ ही नहीं है। तो इनकी सेवा बहुत अच्छे से करनी होती है, प्यार से, जैसे छोटे बालक की करते हैं हम उसी तरह। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए राधे राधे ज़रूर बोलो। वासु आप भी बोलो राधे राधे, तभी ये लोग आपको राधे राधे बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप भी बोलो इनको राधे राधे, क्योंकि आप तो राधे राधे बोलते ही हो, तो ये भी बोलेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ोटो रखती हूँ मैं राधा कृष्णा यानी युगल सरकार की। अभी बज रहे हैं दिन के 12, तो मेरा दिन का खाना बनाना यहाँ पर शुरू हो गया। मतलब चावल धो के मैंने रख दिया कुकर में, तब तब भीग जाएंगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ, भीगे हुए चावलों का जो भात बनता ना, वो बहुत अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है मतलब। और यहाँ पे आज मैं चावल के साथ बना रही हूँ घिया की सब्जी। जैसे हम तोरी का काप बनाते हैं ना, तो उसी तरह मैं ये तोरी मतलब घिया का काप बना रही हूँ। देखो बहुत सारी है ये, जो गोल वाली घिया होती है ना, वो घिया है। इसको हो गए थे बहुत दिन, इतनी बिल्कुल एकदम फ्रेश थी, ताज़ी घी। इसको भात के साथ बनाने का कारण ये है, इसने आज रात को बनना था, तो बेटे ने कहा कि इसको अभी दिन में बना दो, तो उसको घिया पसंद नहीं है, या तो फिर दाल घिया बनाओ, या फिर कोफ्ते भी इतना पसंद नहीं करता हो, दाल घिया तब भी खा लेता। तो ये घिया बड़ी है, अगर दाल घिया बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी मतलब, तो इसलिए उसने कहा कि दिन में बना दो, ताकि मुझे रात को ये नहीं खानी पड़ेगी, रात में कोई दूसरी सब्जी बनेगी। तो मैंने कहा भाई निपटानी तो है ही, चल तू दिन में इसको खाने की कह रहा है तो बना देती हूँ। लेकिन ये है घिया बहुत ज़्यादा, और इसे ना बनाती हूँ मैं, मतलब ये भी टेस्टी होती है, मुझे तो अच्छी लगती है भाई। मैंने ये 2-3 साल पहले से बनाना शुरू किया है, तो कभी कभी बना लेती हूँ। गर्मी हो रही है, आज भी मौसम ना थोड़ा सा वैसा हो रहा है बादल बादल से, तो उसकी वजह से गर्मी हो रही है, और मैंने पंखा नहीं चला रखा। अगर यहाँ पंखा भी चला दूँगी ना, तो ये सब्जी का जो मसाला मैं बना रही हूँ पूरा घूम जाता है घर में। तो मैंने कहा इसे सब्जी को चढ़ा देती हूँ उसमें, फिर चलाऊँगी पंखा। और अंदर का पंखा चल रहा है, वहाँ मेरा लड्डू गोपाल भी है और बेटा भी है, तो फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, बिल्कुल लो। तो बेटे ने मेरे चार्जर पर लगा रखा है, तो इसका चार्जर जो है एक ही है, अब उसने अपना लगा रखा, उसका चार्ज हो जाएगा फ़ोन, तो उसके बाद फिर अपना लगाऊँगी। मसाला आने लग गया, जबकि मैंने पंखा नहीं चला रखा है, और तब भी पता नहीं, खिड़की भी खुली हुई है वहाँ से, फिर भी अंदर को फेंकता है। तो चलो मैं अब वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, ठीक है।